दोस्तों भाषा शिक्षण के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर आपके रोज कई प्रश्न आते हैं, ढेरों प्रश्न आते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जो भी प्रश्न किया जाता है वह रिपीटेशन होता है। जैसे किसी वीडियो में मैंने कोई डिस्क्रिप्शन दिया तो उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर आपका प्रश्न आता है, जबकि उसका जवाब मैं उस प्रश्न में दे चुका हूँ। तो आज का यह पूरा का पूरा सत्र आपके प्रश्नों के जवाब पर केंद्रित रहेगा। आइए मैं सीधे ले चलता हूं आपके चैनल अपने चैनल पर और वहां मैं आपको दिखाता हूं आपके प्रश्न क्या है। देखिए सबसे पहला प्रश्न इन्होंने किया है, पूजा जी हैं, पूजा चौधरी जी हैं, इन्होंने थैंक यू बोला है मुझे इस वीडियो के लिए। ये वीडियो है, कल हमने अपलोड किया था हाउ टू टर्न फेलियर्स इंटू सक्सेस। यह वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, इसको सुनने के बाद आपके मन में जो भी शंकाएं हैं असफलता को लेकर के वह निर्मूल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। अगला संजना जी ने पूछा है आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। चूंकि व्यक्तिगत मामला है तो मैं इनसे अमित जी से पूछ नहीं सकता, इस विषय में अमित जी अपना खुद कमेंट करेंगे। ये देखिए जो रिपीटेड प्रश्न है ये है @GYNODAY। इन्होंने कहा है सर मेरा ग्रेजुएशन एंड MA कल्याणी यूनिवर्सिटी से हुई है तो मीडियम ऑफ स्टडी क्या होगा। देखिए आप जो पढ़े हैं, मान लीजिए आपने MA या ग्रेजुएशन में तीन भाषाएं पढ़ी होंगी, तीन भाषाएं नहीं तीन विषय, इतिहास आपने पढ़ा होगा, आपने हिंदी पढ़ा होगा, अंग्रेजी पढ़ा होगा, हिंदी का माध्यम हिंदी रहता है, अंग्रेजी का अंग्रेजी रहता है। जो अन्य विषय आपने पढ़ा है उसका माध्यम क्या रहा है वो आप अपने विश्वविद्यालय से मांग लीजिए या फिर अपने कॉलेज से मांग लीजिए, आपका शक निर्मूल हो जाएगा। अगला है इन्होंने पूछा है सर कैन यू शेयर ए वीडियो ऑफ इसरो PRL हिंदी ट्रांसलेटर सिलेबस। देखिए जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी की जो सिलेबस होते हैं, वैकेंसी नोटिफिकेशन जब भी मैं देता हूं तो वो सिलेबस भी उस पर डिस्कस कर लेता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप जो PRL वाला जो मैंने डाला था आप उसमें जाकर के एक बार जांच कर लें, आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। ना मिले तो मेरा जो ब्लॉग है gali-poocha.blogspot.com उस पर आपको सारा विवरण मिल जाएगा। अगला इन्होंने कहा काश आप अगर ये वीडियो पहले बना देते तो मेरा फॉर्म गलत नहीं होता। ये कृष्णानंद जी ने कहा है, चूंकि लोगों की गलतियां हो रही थी आपके अनुरोध पर मैंने यह वीडियो बनाया था, अगली बार से ध्यान रखूंगा, जैसे ही कोई फॉर्म आए आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं कैसे भरना है वह विवरण आपको दिखा दूंगा। अगला है वोकैब्स के लिए क्या करें, आकाश कुमार जी ने पूछा है। वोकैब्स पे एक नई सीरीज लेकर के आ रहा हूं, शीघ्र ही 2-3 दिन में रोज ही आपको 2-3-4 ऐसे वोकैब्स में अपलोड किया करूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनका प्रश्न है दीपक जी का, सर एग्जाम 300 मार्क्स का है का ही होगा एंड देन 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, इस प्रकार से 75-25 का हो जाएगा। इन्होंने सही कहा है, 300 नंबर का होगा आपका प्रश्न पत्र और साक्षात्कार पर 75-25 ठीक है। अगला है इन्होंने पूछा है सर अपलोड में PG का अपलोड करना है या डिग्री का, मैं जो पढ़ा है वो अपलोड करना है। बिल्कुल ये रेनू जी हैं, रेनू जी ने प्रश्न किया है। देखिए आपको तो मैंने इस वीडियो में बता ही दिया था कैसे क्या करना है। आप जब PG का विवरण भर रहे हैं तो PG का ही देना पड़ेगा, जहां ग्रेजुएशन का भरे वहां ग्रेजुएशन का दीजिए और जहां PG GT का भरिए वहां उसका विवरण अपलोड कीजिए। अगला प्रश्न है आपने पूछा है, इनका नाम है क्रेव फॉर यू फेवर, इन्होंने पूछा है सर प्लीज सजेस्ट बुक्स। किताबें मेरे ब्लॉग पोस्ट gali-poocha पे आपको मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलती है तो आप मेरा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें किताबों की लिस्ट है, डायरेक्ट क्लिक करिए सीधे अमेजन पे लैंड करेंगे, आप वहां से किताबें मंगा लीजिए। जो पुस्तकें प्रामाणिक है उनको मैंने उसमें लिंक दिया हुआ है। अगला है इन्होंने पूछा है प्राइवेट MA किया है सर, डिग्री नहीं है मार्कशीट है, मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। देखिए मीना जी ने पूछा है, मीना जी देखिए आप कहीं से भी करिए, डिग्री 2-3 साल लग जाता है आने में, तो आप अपने कॉलेज से एक प्रोविजनल बनवा लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। समय कम है, कल 13 तारीख है, आप एक अंडरटेकिंग लिख के डाल दीजिए कि मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, एज एन व्हेन जब मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगी। अगला इन्होंने किया बहुत बहुत धन्यवाद, सुज्ञान जी ने कहा है बहुत बढ़िया पेपर सेट किया है, ऐसा पेपर UPSC ही बना सकता है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्होंने कहा है सर पेपर का PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए टेलीग्राम पे लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, हमारा जो SSC_ट्रांसलेटर टेलीग्राम समूह है
आप उसमें आइए, उसमें जाकर के फाइल में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो मैं किसी से मांग के अपलोड करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद एक सर्विस मैन के लिए एज रिलेक्शन नहीं है क्या इसमें? देखिए इसके लिए भुवन आपने पूछा है, भुवंस डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए मैं भी एक सर्विस मैन हूँ और इस विषय पे हमने काफी पत्राचार किया, क्योंकि जो नियम है एक सर्विस मैन का वह कहता है कि आपकी जितनी सर्विस है उसमें से 3 साल घटा करके फिर आपका एज कैलकुलेट होना चाहिए। लेकिन UPSC इस बात को नहीं मानती। UPSC का कहना है कि मैं नहीं मानता, उसको देखा देखी कई विभाग में नहीं मानते। हाँ, अगर आपकी उम्र 40 से कम है एज ए सर्विसमैन तो आपको उसका लाभ मिल सकता है, और प्लस अगर आपकी कैटेगरी OBC SC ST है तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाभ दोनों का मिलता है। अगला इन्होंने पूछा है फी फॉर EWS, नरेंद्र जी ने पूछा है। देखिए जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो अपने आप उसमें बता देगा, मेरे ख्याल से 100 या 25 रुपये कुछ ऐसे है, अधिकतम 250 रुपये है। इन्होंने कहा है, साधना जी ने धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। उसके बाद मास्टर्स डिग्री का रिजल्ट नहीं आया है अभी तो क्या अप्लाई नहीं कर सकते, ये पूछा है इन्होंने मुंबई जी के। मैंने पहले ही बताया अगर आपके पास ऑनलाइन डिग्री है उसको अपलोड कर दीजिए, नहीं कर सकते तो फिर आप ऑफलाइन डिग्री आने के बाद ही कर पाएंगे, कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज में हिंदी के पोस्ट के लिए इन्होंने पूछा है क्या पूछ सकते हैं। देखिए प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब हुआ कि आपके पास राजभाषा से संबंधित जितना ही भी ज्ञान हो, राजभाषा नियम अधिनियम नीतियां, उनका विवरण आपसे पूछा जाता है। अगला है बहुत ही शुभ विचार है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने पूछा माय PGT एग्जाम वाज कंप्लीटेड बट द रिजल्ट वाज अवेटेड, शुड आई अप्लाई? सोनिंग जी ने कहा है, देखिए आप जब तक डिग्री नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, तब तक आवेदन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, इन्होंने कहा है आशीष जी हैं ये, हेलो सर रिप्लाई प्लीज, मेरा क्वेश्चन यही है कि मैंने 18 से 21 में BA ग्रेजुएशन किया था, अभी 21-23 में MA पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बट एक एग्जाम नहीं दे पाता। अब देखिए जब आपकी डिग्री पूरी ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? डिग्री कंप्लीटेड होनी चाहिए ना, पता नहीं कब आप एग्जाम देंगे, जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाए तब इसको भरिएगा। और इन्होंने पूछा है धीरू वर्मा जी ने, आपने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा, मैंने आप बताया है उस वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव ही होगा। अगला है नसरीन जी ने कहा है, बिल्कुल सर EPFO का एग्जाम से रिलेटेड कोई सेशन? सेशन ऑलरेडी चल रहा है, एक सेशन ले चुका हूँ, फिर एक सेशन कर दूंगा आप लोगों का। उसके बाद नेहा जी ने पूछा है UPSC ESI फॉर्म के टाइम के रजिस्ट्रेशन किया था, आप उसी से कर लीजिए ना, अलग बनाने की जरूरत नहीं है। ये सुमित जी कहते हैं मेरा भाषा विज्ञान में MA है और UG में भाषा विज्ञान है, PGDT भी है, क्या मैं कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? भाषा का मतलब हिंदी भाषा है या कोई और भाषा है? अगर भारतीय भाषाओं में से अंग्रेजी और हिंदी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है बुक रिकमेंड करें, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर फिर आपको जल्दी ही बताऊंगा। और लोग नोट मांग रहे हैं, साधना चौधरी जी हैं, इनको नोट्स चाहिए। नोट्स मैंने आपको बताया, साधना जी ने भी, मेरा ब्लॉग नहीं देखा है, आप ब्लॉग देखिए, वीडियो पूरा देखिए, आपको सब मिल जाएगा। अलग से पैसे खर्च करना है तो उसी में अमेजन का लिंक है, उस पर जाके ढूंढ लीजिए। और दो प्रश्न और लूंगा, मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, प्लीज हेल्प मी। देखिए आप लोगों को मैंने एक हॉटलाइन नंबर दे रखा है, अगर आप में से किसी को लगता है तो उस हॉटलाइन पे कॉल कर लिया करिए, आपको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। एक क्वालिफिकेशन क्या, आप देखिए ये मैडम है नम्रता जी हैं, इन्होंने भी वीडियो पूरा नहीं देखा, नहीं तो ये मुझसे नहीं पूछती क्वालिफिकेशन क्या है। आप लोगों से अनुरोध है वीडियो कम से कम पूरा देख लीजिए, क्योंकि अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी, फिर आधा अधूरा मुझसे पूछते रहेंगे और बाद में कहेंगे आप तो जवाब देते ही नहीं है। सिलेबस के अनुसार बुक कौन सी है, 5वां हो गया। दोनों फॉर्म भरना मैंडेटरी? नहीं जी, भरना मैंडेटरी नहीं है, वैसे भी आप फरवरी में बैक डेट में जाके अब नहीं भर पाएंगे, उसके लिए टाइम मशीन खरीदनी पड़ेगी। एग्जाम कब होगा, आपने भी पूरा वीडियो नहीं देखा, नहीं तो नहीं पूछते। एग्जाम आपका 20 अगस्त को है। ये है दिनेश यादव जी। इसी तरह से देखिए मिलते जुलते आपके प्रश्न आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि एक ही चीज के लिए बार बार रिपीट करके क्या टाइप करता रहूं। जब भी कोई कमेंट हो कमेंट बॉक्स में, आप ऐसा करिए पहले चेक कर लीजिए कि उस तरह का कोई वीडियो उपलब्ध है कि नहीं है। आज की चर्चा में आपके प्रश्नों के साथ मैं जुड़ा हूं, अगले हफ्ते फिर आपके प्रश्नों के साथ जुड़ूंगा, क्योंकि टाइप करके आपको उत्तर दे पाना कठिन होता है। अपने प्रश्न के उत्तर के लिए अंत तक बने रहिए ताकि
आपको दिक्कत ना हो और आपके सही जवाब मिले। मित्रों, भाषा शिक्षण का यह सत्र आपको कैसा लगा इसके बारे में आपकी राय प्रतीक्षित रहेगी। आप नीचे देखिए हमारा नंबर स्क्रॉल कर रहा है, अगर आपको लगता है कि हमसे बात करनी है तो आप इस नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप संदेश भेजकर हमसे चर्चा कर सकते हैं और ऐसे ही सत्र भविष्य में मिलते रहें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद हमें संदेश बॉक्स में यह संदेश अवश्य देंगे कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और आपको इसमें और अधिक क्या चाहिए। आपकी मांग के अनुसार फिर हम नए रूप में इसे सजा करके आपके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे, विशेष रूप से मॉडिफाइड या आपके लिए मॉडिफाइड। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक हाँ चलते चलते फिर से, अगर सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और थम्स अप कर दें एक बार।